हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज के टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये है रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग हमेशा से स्टूडेंट के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए, एक बहुत ही ऐसा टॉपिक रहा है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये रीजनिंग का एक टॉपिक है और आज इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या होता है, त्रिभुजी की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल्स की जो नंबर्स होते हैं, जिन जो संख्याएं होती हैं, वो ज्ञात करने के लिए दी जाती है। एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का त्रिभुज अगर आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या को गिनना या फिर ज्ञात करना वहाँ पर जो है एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ ट्रिक आपको बता दूंगा जिसके जरिए आप बहुत ही ईजिली खुद से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है, तो इस ट्रिक को अगर आप एक बार जान लेंगे तो उसके बाद आप देखते ही आंसर को पहचान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो जैसा भी आए, त्रिभुजों की संख्या अगर गिनने के लिए कहा जाता है तो आप देख के ही अपने आंसर को पहचान सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह का प्रश्न आप हल कर पाएंगे। चलिए, उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर ये इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पर आप मुझे स्पेशली मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आराम से मैं आप लोग को समझाऊंगा। हर एक पॉइंट को आराम से समझिएगा, उसके बाद आप खुद अपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप वन देखते हैं। ठीक है, पहला प्रकार किस तरह का क्वेश्चन आता है, पहला जो है, यदि पूरे त्रिभुज को लंबवत भागों में बांट दिया जाता है। ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको लंबवत, ठीक है, लंबवत यानी कि वर्टिकल लाइंस में इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। आपको पता है इस तरह से बहुत सारे लाइंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको त्रिभुजों की संख्या बताना होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें इस ट्रिक को जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो चाहे यहाँ पर जितनी भी लकीरें खींच दी जाए, चाहे 10 चाहे 20 जितनी भी लकीरें खींच दी जाए, आप बहुत ही आसानी से त्रिभुजों की संख्या गिन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो चित्र है उसको आप देख लीजिए। पहला जो चित्र है, आप बताइए कि उसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सभी स्टूडेंट सोचेंगे कि ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें मात्र एक त्रिभुज है। ठीक है, यू आर राइट, इसमें सिर्फ एक त्रिभुज है। आगे देखते हैं, चित्र नंबर टू में देखते हैं ना, चित्र नंबर दूसरा देखिए, इसमें कितने त्रिभुज हैं आप बताइए। ठीक है, खुद कैलकुलेट कीजिए इसमें कि कितने त्रिभुज हैं। तो कुछ कहते होंगे इसमें दो त्रिभुज हैं और कुछ को इसमें तीन त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। तीन कैसे, ठीक है, त्रिभुज नंबर वन, त्रिभुज नंबर टू, ये दिखाई दे रहे होंगे। और थर्ड जो त्रिभुज है वो ये वाला भी तो है। ठीक है, ये वाला भी त्रिभुज तो है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन। अब इसको थोड़ा सा और टफ कर लीजिए, इसको ये वाले चित्र को देखिए, थर्ड नंबर वाले चित्र को, आप बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो जैसे ही लेवल को अप करते जाएंगे, ठीक है, इसके मुश्किल को और बढ़ाते जाएंगे, इसमें जो लंबवत रेखा है, ठीक है, लंबवत रेखा यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं, इसकी संख्या जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, ये क्वेश्चन और टफ होते जाएगा। बट ट्रिक को जानने के बाद, चाहे जितनी लाइन आपके सामने आ जाए, चाहे जितने सारी लंबवत रेखाएँ, जितनी वर्टिकल लाइन्स आपके सामने दे दी जाए, आप बहुत ही इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो थर्ड नंबर चित्र को देखिए, इसमें कितनी लाइन है देख लीजिए, और वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपने मन में इस चित्र को देख करके सोचिए और गिनने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पीछे का जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबको पता है एक त्रिभुज है, यहाँ पर, यहाँ तीन त्रिभुज हैं, कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये जो पूरा त्रिभुज है वो, तीन त्रिभुज है, बट इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आपको करना सिर्फ ये है कि जितने हिस्से में त्रिभुजों को डिवाइड किया गया है उसको सबसे पहले आपको गिन लेना है। तो सबसे पहले ये वाला नंबर वन, ये वाला नंबर टू और ये वाला नंबर थ्री। ठीक है, तो कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, तीन भागों में, यानी कितने त्रिभुज यहाँ पर बन गए हैं, छोटे छोटे, तीन त्रिभुज बन गए हैं।
ठीक है, तो याद रखिएगा अभी जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ जो है वर्टिकल लाइन के लिए है, यानी कि सीधी रेखाओं के लिए है। ठीक है, तो कितने त्रिभुज बन गए, एक दो और तीन, यहाँ पर तीन त्रिभुज बन गए। तीनों को मार्क कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, और नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 तीन नंबर यहाँ पर हमको मिल गए, तो तीनों को आपको प्लस कर देना है, 1 + 2 + 3। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल कीजिए, 3 और 2 हो जाएंगे 5, 5 और 1 6, यानी 6, यानी कि 6 यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे, आप गिन करके देख सकते हैं। ठीक है, तीन तो ये वाले हो गए, 1, 2, 3, ठीक है, तीन ये हो गए, और चौथा ये वाला हो जाएगा, पांचवा ये वाला हो जाएगा, और छठवां जो है ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो हो जाएगा, यानी कि इस चित्र में 6 त्रिभुज है। बट आपको क्या करना है, गिनने से अच्छा ये छोटे वालों को आप गिनिए, 1 + 2 + 3, यानी कि नंबरिंग जो आप करेंगे 1, 2, 3, इन्हीं को आपस में आपको टोटल कर देना है, 1, 2 और 3, इन तीनों को आपको टोटल कर देना है, टोटल मिलता है 6, यानी कि इस चित्र में जो है 6 त्रिभुज होंगे। ये है आपका फार्मूला, ये है आपका ट्रिक। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, इस सेकेंड नंबर वाले चित्र में देखिए, सेकेंड नंबर वाला जो चित्र है उसमें वैसे ही करना है जैसे कि मैंने बताया, 1, 2 मार्क कर लीजिए नंबरिंग, और 1 + 2 = 3, यानी कि यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। ठीक, लास्ट वाले जो चित्र में आप देख सकते हैं, नंबरिंग करिए 1, 2, 3, और उन नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 = 6, यानी कि यहाँ 6 त्रिभुज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, एक जो वर्टिकल लाइन है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया इसमें। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और जैसा मेथड मैंने बताया बिल्कुल आप सिंपली इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है तो आप गिन कर भी इसको देख सकते हैं, बट गिनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो ट्रिक मैंने बताया उसके हिसाब से आप बिल्कुल सेकेंड में, बिल्कुल 2-3 सेकेंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आपने नंबरिंग कर लिया, अब इनको आपस में प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कीजिए, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 10 है, यानी कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। आप चाहें तो इन त्रिभुजों को अपने बुद्धि विवेक से काउंट करके देख सकते हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया उस हिसाब से आपको सिर्फ नंबरिंग कर देना है, और नंबरिंग करने के बाद आपको टोटल कर लेना है, बस वही आपका आंसर होगा। चाहे जितनी लकीरें यहाँ पर दे दी जाए, चाहे 50 लकीरें क्यों ना दे दी जाए, आप उनको सिर्फ नंबरिंग करना है, आपको टोटल करना है, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आगे से जब भी आए आपके एग्जाम में तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और न ही उनको गिनने लग जाना है, आपको सिर्फ सिंपल सा ये ट्रिक यूज़ कर लेना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व करके आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है इस क्वेश्चन को, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप देख सकते हैं इस आकृति को, आप ध्यान से देखिए, ये आकृति एक डमरू जैसी दिख रही है, बट इसमें जो है ये त्रिभुज त्रिभुज वाली दो आकृतियाँ, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक का परछाई है, बिल्कुल बीच में आयना रख दिया गया है, और एक उसकी परछाई है। तो अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन बताया इससे पहले वाला, ये बिल्कुल यही आकृति है, देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 तीन लकीरों से इसको बांटा गया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसमें भी 1, 2, 3 तीन लकीरों से बांटा गया है। तो जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा, पहला वाला जो हम लोगों ने ये वाला एक त्रिभुज सॉल्व किया, उसमें कितने त्रिभुज आ रहे थे, तो नंबरिंग फिर से नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर लिया, अब ये कितने हो जाते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो नीचे वाला जो त्रिभुज है उसमें 10 त्रिभुज होंगे, और ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसमें भी 10 हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब 10 + 10 अगर आप कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख सकते हैं, 20, यानी कि 20 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर प्रकार नंबर 2, यानी कि दूसरा प्रकार। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, यदि पूरे त्रिभुज को क्षैतिज भागों में बांटा जाता है। क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी रेखाएँ, इस तरह की रेखाओं को हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। तो त्रिभुज नंबर 1 इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। ठीक है,
एक सेकेंड, चलिए आकृति नंबर एक में बताइए कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर वन त्रिभुज हैं। कैसे? अभी हम लोगों ने पीछे देखा यहाँ पर वन त्रिभुज ही होगा, इसमें बीच में कोई रुकावट नहीं है, मतलब एक ही त्रिभुज है। अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आप इसको गिनने लगेंगे और आप गिन करके बताएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहला तो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज नंबर वन, और दूसरे नंबर पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर टू। तो आप कहेंगे यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर दो ही त्रिभुज हैं। अब मैं कहूँगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, चित्र नंबर तीन में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो फिर आप भी गिनने लगेंगे, पहला ये, पहला नंबर का ये हो जाएगा, दूसरे नंबर का ये वाला हो जाएगा, और तीसरे नंबर का ये वाला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी तीन त्रिभुज हैं, आप बिल्कुल सही हैं, तीनों में आप लोगों ने त्रिभुजों की संख्या सही बताई। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, जो कि बहुत काम का ट्रिक है। आपको क्या करना है, अगर किसी भी त्रिभुज में आड़ी रेखाएं दे दी गई हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस दे दिए गए हैं, चाहे कितनी भी लाइंस दे दी गई हैं, आपको त्रिभुज गिनने नहीं लगना है। ठीक है, परीक्षा में इतने आसान क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, परीक्षा में लेवल थोड़ा सा अप आएगा, तो आपको त्रिभुजें गिनने नहीं लगना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस गिन लेनी है, यानी कि जो आड़ी रेखाएँ हैं, ठीक है, जो क्षैतिज रेखाएँ, उनको आप गिन लेना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ट्रिक अब मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ आड़ी रेखाओं के लिए है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आड़ी रेखाएं गिन लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लेना है, क्षैतिज रेखाएं गिन लेना है। तो इसमें कितनी क्षैतिज रेखा है, गिनिए, इसमें सिर्फ एक है यहाँ पर। ठीक है, बेस, इसका जो बेस है एक ही रेखा है, तो ये यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी एक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने क्षैतिज रेखाएँ हैं, इसको गिन लीजिए, यहाँ पर एक है। ठीक है, नीचे वाले को भी गिनना है, याद रखिएगा, एक है और ये हो जाएगा दो। तो कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएंगे दो त्रिभुज। अब इसको गिनिए, वन टू और थ्री, तो यहाँ पर कितने लाइंस हो गए, तीन, तो कितने त्रिभुज होंगे, यहाँ पर हो जाएंगे तीन। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या खास है। तो आगे इसी को सॉल्व करके दिखाया गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर लाइंस की संख्या जो है वन और टू, तो यहाँ पर दो त्रिभुज होंगे, यहाँ पर है वन टू थ्री, और यहाँ पर हो जाएंगे तीन त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर कैसे आप बताएंगे, जैसे कि मैंने पीछे ट्रिक बताया, बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे। आप सबसे पहले लाइंस को गिन लेंगे, कितनी आड़ी रेखाएं हैं, मतलब कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो ये हो जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। ठीक है, और नीचे वाले को भी गिनना है, तो ये हो जाएगा सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे छः त्रिभुज। छः की ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी में है छः। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस ट्रिक को, जो कि पहले वाले से भी आसान है, इसमें सिर्फ आपको गिन लेना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि यहाँ सिक्स त्रिभुज होंगे। तो इस तरह से आप त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम टाइप थ्री में, यानी कि तीसरे प्रकार में आ जाते हैं। तो तीसरे प्रकार में आप देख सकते हैं, तीसरा प्रकार क्या है, यदि पूरे त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दोनों भागों में बांटा गया। कैसे? लंबवत और क्षैतिज, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइनों में बांटा गया, तब क्या करेंगे आप। ठीक है, तब क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आसान लेवल था, ये उसी का मिक्स्ड लेवल है। कैसा लेवल है, पहले तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी दे दिया गया है, उसके बाद इसमें वर्टिकल भी दे दिया गया है, इसमें क्या किया गया है, दोनों को दे दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पहली आकृति को आप देखिए। एक काम करिए, आप सबसे पहले इस वाले लाइन को अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है, इस वाले लाइन को ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इस वाले लाइन को देखिए। तो हमारा त्रिभुज कैसा है, ये है, ये है और ये है। तो ये कैसा बन गया, जो पहले मैंने फार्मूला बताया था, आपको नंबरिंग कर लेना है वन और टू, वन और टू। तो कैसे करेंगे, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, ऐसे मैंने बताया था, यानी कि तीन त्रिभुज तो ये हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप इस हिस्से को भूल जाइए कि ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इस वाले हिस्से को भूल जाइए। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को जब आप ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा, तो ये भी वैसे ही बनेगा, त्रिभुज नंबर वन, त्रिभुज नंबर टू। जब आप नंबरिंग करेंगे तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, यानी कि तीन त्रिभुज तो यहाँ आपके बनेंगे, तीन त्रिभुज यहाँ बनेंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे छः। ठीक है, बट ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसे करने से यहाँ पर छः त्रिभुज मिल रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आड़ी रेखाओं को गिन लीजिए आड़ी रेखा वाले फार्मूले से, वन और टू, तो क्या हो गए, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, थ्री हो गए आप।
अब क्या करेंगे, थ्री आड़ी रेखा मतलब कि खड़ी रेखाओं में यानी कि वर्टिकल लाइंस में हो गए थ्री। अब इस वाले फार्मूले का यूज़ कीजिए, इसमें लाइन गिनिए वन और टू, लाइन गिन लिए कितने लाइन है टू, तो थ्री से टू को इनटू कर दीजिए, ये हो जाते हैं सिक्स। क्या करना है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले वर्टिकल वाले को कीजिए इस वाले को, तो इस वाले से करने से आते हैं तीन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको आपको इस वाले को, इस वाले फार्मूले को अप्लाई करना है, इस वाले से कितने आते हैं दो, तो थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं बीच वाले चित्र में, फिर से वही फार्मूला करना है, सबसे पहले लंबी रेखाओं को गिनिए ये वाली को, ठीक है, इस वाले को सॉल्व कीजिए, नंबरिंग कर दीजिए वन टू और थ्री, नंबरिंग कर दिए। अब चलिए इसको प्लस कर लीजिए, वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू कितने हो गए थ्री टू फाइव, फाइव और वन सिक्स हो गए, कितने सिक्स, कितने हो गए सिक्स, ठीक है सिक्स साइड में रख लेते हैं सिक्स। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को गिनेंगे वन और टू, कितने हो गए टू, यहाँ पर सिर्फ कितने लाइन है टू, तो क्या करना है हमको सिक्स के साथ टू को इनटू कर देना है। तो ये क्या है, ये दोनों फार्मूला जो मैंने दो ट्रिक पहले बताया उनका मिक्स्ड है, तो कितने हो जाएंगे सिक्स सिक्स इंटू टू कितने हो जाएंगे ट्वेल्व, ठीक है आई बात समझ में, यहाँ आ जाएंगे ट्वेल्व, यानी कि इस जो त्रिभुज है इस आकृति में बारह त्रिभुज है। अब आप एग्जाम में इसको गिनने बैठेंगे तो बारह त्रिभुज आप कैसे निकालेंगे और कितनी देर में निकालेंगे, ठीक है टाइम तो लगेगा। अब उसको इस लेवल को थोड़ा सा अप कर देते हैं, थर्ड वाले को देख लीजिए जल्दी से, थर्ड वाले को आप खुद हल कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर आगे मैं इसका आंसर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले वर्टिकल वर्टिकली इसको सॉल्व कर लीजिए, वन टू थ्री तीन हिस्से हैं तो कितने हो गए टोटल करने से हो जाएंगे ये सिक्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको हॉरिजॉन्टली इसको सॉल्व कीजिए वन टू थ्री, तो सिक्स इंटू थ्री कितने हो जाते हैं सिक्स इंटू थ्री हो जाते हैं एटीन, ठीक है। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज होंगे, एटीन त्रिभुज हैं इस आकृति में, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स, इसमें सिक्स त्रिभुज हैं, सिक्स इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, इसमें ट्वेल्व हैं और इसमें हो जाएंगे एटीन। तो इस कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फोर, नीचे दिए गए प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबरिंग करिए फिर से, वन टू थ्री फोर कर लिए नंबरिंग। अब क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, टोटल करना है इसको, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर टोटल कर लिया आप लोगों ने, क्या हो गया ये फोर और थ्री हो जाएगा सेवन, सेवन और टू नाइन, नाइन और वन टेन, कितने हो गए टेन, हो गए टेन। अब टेन टेन तो आ गया हमारा, टेन कैसे आया वर्टिकली, अब इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं, टेन हमारा आ चुका है इनटू हॉरिजॉन्टली इसको सॉल्व कीजिए, वन टू थ्री फोर कितने लाइंस हैं फोर लाइन है, तो इनटू में फोर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा फोर्टी, ओके आई बात समझ में। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया 40। अब आप इस आकृति में खुद सोच सकते हैं कि कितनी देर में आप इसमें 40 त्रिभुज गिन सकते थे, ठीक है एग्जाम में आता तो फिर भगवान भरोसे। तो ये है क्वेश्चन राइट आंसर 40। तो इस तरह का ट्रिक हो सकता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट ये देख रहे होंगे वीडियो वो पहले से इस ट्रिक को जानते हों पहले से, क्योंकि ये अचानक से तो कहीं टपक के तो निकला है नहीं, या फिर मैं भी इतना कोई बड़ा गणितज्ञ तो हूँ नहीं कि मैंने रातों रात कोई फार्मूला बना लिया। ये फार्मूला जो है, ये ट्रिक जो है पहले से मौजूद है, और उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है जो इस ट्रिक को नहीं जानते थे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, त्रिभुजों की संख्या बताना है, आकृति यहाँ पर दी हुई है, इस आकृति को देखिए, ये आपका जो है आपके लिए ये क्वेश्चन, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है फटाफट से, ठीक है। तुरंत आपको कुछ सेकेंड ही लगना चाहिए इसका आंसर करने के लिए, और जिसको जितनी जल्दी आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका आंसर आप इसको लिख के भेजिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, देखा जाए कि कौन जो है सही आंसर
दे पाता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आई होप दोस्तों आपने इस ट्रिक को पूरी तरह से समझ लिया है, सीख लिया है। और इस ट्रिक को सीखने के बाद इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप फटाफट से तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, देखते ही उत्तर पहचान पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इस ट्रिक को जानने के बाद इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत 5 से 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर, कितने भी बड़ी प्रश्न क्यों ना हो, इसका आंसर आप जान सकते हैं। तो ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।